भविष्य पुराण में बताया गया है कि सूर्य भगवान की पूजा और इन्हें अर्घ्य देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को नमस्कार करने से सभी देवताओं को नमस्कार हो जाता है और कार्तिक के पवित्र महीने में सूर्य को अर्घ्य देने से पूरे साल सूर्य उपासना का फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को कार्तिक के महीने में सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस महीने की षष्ठी तिथि को अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य देने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं सूर्य षष्ठी के दिन अस्तगामी सूर्य को जल देने से क्या लाभ मिलता है। आपको बता दें कि आज 14 नवंबर को छठ पूजा का समापन हुआ है और इसके खत्म होते ही सुबह से ही सूर्य देव कुछ राशि वालों की किस्मत खोलने वाले हैं और आयुर्वेद के अनुसार कमर तक जल में प्रवेश करके सूर्य को देखते हुए जल और अर्घ्य देने से अपच और भी दूसरे कई प्रकार के रोगों से रक्षा होती है और यही कारण है कि डूबते और उगते हुए सूर्य दोनों समय छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि छठ पूजा खत्म होते ही किन राशियों को लाभ होने वाला है। पहला, मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर आज 14 नवंबर से सूर्य देव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपको अपने दैनिक जीवन में अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। सूर्य देव की दृष्टि में हो रहे बदलाव की वजह से जो भी व्यक्ति व्यापारी हैं, उनको व्यापारिक क्षेत्र में अपार धन लाभ प्राप्त होने की संभावना नजर आ रही है। अगर आपके कोई भी कार्य काफी लंबे समय से बाधित हैं, तो वो भी सफलतापूर्वक तेजी से बनेंगे, लेकिन आपको अपने क्रोध पर संयम रखने की आवश्यकता है। दूसरा, सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को 14 नवंबर से सूर्य देव की दृष्टि में परिवर्तन होने की वजह से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है और आपके जीवन में पैसों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और आप इस दौरान किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में आने वाली सभी बुरी शक्तियाँ और दुश्मनों का नाश होगा, वही जीवन साथी का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तीसरा, कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को 14 नवंबर से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है और आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों का आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होगी और आपका विदेश में जाकर पढ़ाई करने का सपना भी पूरा होगा। अगर आप निर्धनों और असहाय व्यक्तियों की सहायता करेंगे तो इससे सूर्य देव अधिक प्रसन्न होंगे और आपको बहुत ही अच्छा फल भी देंगे। चौथा, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए 14 नवंबर के बाद का समय बहुत ही आनंददायक साबित होने वाला है। सूर्य देव की दृष्टि में परिवर्तन से इनको बहुत ही लाभ मिलेगा और जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं, उनको अपने क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आएंगी कि आप अपने सभी दुखों को भुला देंगे। पांचवा, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज 14 नवंबर के बाद का समय बहुत ही खास रहेगा और इस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर सूर्य देव की असीम कृपा बनी रहेगी। खास तौर पर नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए आने वाला समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है और इस राशि वाले व्यक्तियों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ पदोन्नति होने की संभावना बनी हुई है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से मित्राय की रिपोर्ट।